इस YouTube चैनल को जरूर ध्यान से देखिए, अर्न ऑन YouTube लिखा है, योर चैनल इज नॉट अर्निंग राइट नाउ, और लिखा है रिव्यूज कंटेंट के तहत चैनल जो है रिजेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद अपील का ऑप्शंस भी बताया है 31 जुलाई, साथ ही साथ अगर आप इसको रीअप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 9 अगस्त को ये जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। बट याद रखना कि ये जो चैनल है ना वो डीमोनेटाइज हुआ है रीयूज कंटेंट के तहत। इन्होंने बोला कि हमने चैनल आपका चेक किया और साथ ही साथ आपके यूट्यूब चैनल पे प्रॉब्लम है कंटेंट के रिगार्डिंग, मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता, और ये जो चैनल है ना शॉर्ट चैनल है। अगर आपका भी शॉर्ट चैनल है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आपके दोस्त के साथ आपके साथ भी प्रॉब्लम आ जाए, इस वजह से इस वीडियो को ज़्यादा घुमाना है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करना है। अपील भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप यहाँ से अपील करोगे तो ये चैनल तब भी रीयूज कंटेंट के तहत रिजेक्ट हो जाएगी, अपील भी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं। हो सकता है आप भी एक मिस्टेक कर रहे हो। अगर इनके मैं शॉर्ट चैनल पे जाता हूं, इनकी लॉन्ग वीडियोस है ही नहीं, सारी इसकी सारी जो शॉर्ट वीडियोस है। जब इनके चैनल को मैं विजिट किया, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो चैनल पे जो है ना 180 वीडियोस है, और यहां पे होम पे आप देख सकते हो सारी की सारी जितनी भी वीडियो है शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियोस नहीं है। अब शॉर्ट वीडियो में जाते हैं, ये देख सकते हो आप लेटेस्ट वीडियो, आप देख सकते हो कितना यहां पे व्यूज आ रहा है, भर भर के व्यूज आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे पॉपुलर में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9.3 मिलियन, 7.7 व्यूज, और ये देखो कितने सारे व्यूज आ रहे हैं। बट इन व्यूज का फायदा नहीं है जब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इस चैनल पे क्या गलती है सब कुछ इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, बट उससे पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, क्योंकि भाई आपको बताएंगे वीडियो क्वालिटी के साथ विश्वास भी देते हैं। अब इस यूट्यूब चैनल को हमने ओपन तो कर लिया, बट जब मैंने इस चैनल को देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं हमेशा से यूट्यूब टिप्स के रिगार्डिंग और रिव्यूज कॉन्टेंट के तहत बहुत सारी वीडियोज अपलोड करता हूँ, बट जब इंसान जो है ना देखता नहीं है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जब मैंने ये पॉपुलर वीडियो देखी और मैंने इसको ओपन किया यहाँ पे जाने के बाद में, तो यहाँ पे मैंने देखा कि इस वीडियो का सबसे पहले डिस्क्रिप्शन भी आपको दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन ज़्यादा खास कुछ नहीं है, और साथ ही साथ वीडियो पे 9 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है, और यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे इसमें इसकी खुद की आवाज़ नहीं है। दूसरा अगर मैं देखने की कोशिश करूँगा, ये वाली वीडियोज़ है यहाँ पे, इस पर भी मैं जाता हूँ, जाने के बाद में जब मैंने देखा कि यहाँ पे भी इनका डिस्क्रिप्शन चेक करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर वगैरह कुछ नहीं डाल रखा, सोशल लिंक कुछ नहीं डाल रखे, साथ ही साथ इनकी ये वीडियो पे भी इनकी खुद की नहीं है, ये भी दूसरों की है। जब मैंने दोस्तों यहाँ पे देखा कि सारी वीडियो इनकी है ही नहीं, इन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, तो इनका यूट्यूब चैनल रिजेक्ट हो गया। इन्होंने एक भी वीडियो मुझे नहीं लगता कि अपनी आवाज़ में डाली हो। अगर लेटेस्ट वाली वीडियो में जाता हूँ तो भी इनकी वीडियो नहीं है। अब जरा मुझे आप बताइए, ना तो आपकी कोई वीडियोस है, ना आपका फेस है, ना आपकी कोई आवाज़ है, आपने सिर्फ क्या किया, दूसरे की वीडियो को डाउनलोड करके उसको कट करके बस सिर्फ अपने वीडियो को एडिट करके थोड़ा बहुत पार्ट निकाल के और वीडियोस अपलोड कर दी, आपके चैनल पे व्यूज़ आ गया, सब्सक्राइबर आ गए, बट चैनल तो मोनेटाइज नहीं होगा। इतनी सारी वीडियोस मैंने बना रखी फिर भी ये बंदा गलती कर रहा है। अब बात करते हैं इस चैनल को मोनेटाइज कैसे करेंगे। कुछ ना कुछ तरीका तो होगा, बिल्कुल तरीका है, बट उस तरीकों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। पहला तरीका आपको बता देता हूँ कि आपको नई वीडियो अपलोड करनी है, इसी कैटेगरीज की वीडियोस अपलोड करनी है, बट उसके लिए आपको अपना खुद की आवाज़ आपको डालनी है। अगर आप सारी कुछ वीडियो ऐसे की ऐसी ले रहे हो बट आप खुद की आवाज़ डाल रहे हो तो आवाज़ से क्या होगा कि आपकी वैल्यू ऐड हो गई। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्लेमर डालना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लगाया हुआ अपनी हर वीडियो में, उसको कॉपी कर सकते हो आप, और अपनी सारी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको डालना पड़ेगा डिस्क्लेमर। दो बात आपको बता दी, डिस्क्लेमर में आपके जो सोशल लिंक्स है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि एक ऑथेंटिकेटेड पर्सन आप बन जाते हैं कि ये बंदा ये रियल है और सही, मतलब ये एक पॉलिसी नहीं है पर एक बेस्ट प्रैक्टिस है। इसी वजह से कह रहा हूँ कि अब इस YouTube चैनल का हल क्या है, हल यही है आपको आज से 60-70 वीडियोस अपलोड करनी है, अपनी आवाज़ में करनी है। भले ही इन ये वीडियोस आप ले सकते हो, अपनी आवाज़ में करनी है, कमेंट्री करके वीडियो पब्लिश कर देनी है। जब नई वाली वीडियो पे 10 मिलियन व्यू से ज़्यादा आपका हो जाएगा तब जाके पुरानी वीडियो सारी डिलीट करनी है, यानी कि मोनेटाइजेशन से पहले ये काम करना है। अगर आप आज ही अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दोगे तो आपकी क्या है रीच जो है डाउन हो जाएगी, और आप कितनी भी वीडियो डालोगे तो आपका यूट्यूब चैनल को बूस्ट होने में ग्रो होने में टाइम लगेगा। इसी वजह से इन वीडियोस को आपको, इन जितनी भी वीडियोज है ये सारी की सारी आपको सेम ऐसे के ऐसे रखनी है। नई वाली वीडियो आज से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे 15-20-50-40-60-70 जितनी भी वीडियो डालोगे उन वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपकी आवाज वाली पे। जब 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो जाएगा तब ये वीडियो सारी की सारी डिलीट करना, तब क्या होगा नई वाली वीडियो आपकी चलेंगी, रीच आपकी अच्छी है,
ये वाले डिलीट करोगे तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, तब आपका यूट्यूब चैनल 101% मोनेटाइज हो जाएगा। अब एक पॉलिसीज और चेंज की है यूट्यूब ने, अब यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में काफी चेंज कर दिया है। अगर आपका चैनल पहली बार रिजेक्ट होता है तो 30 डेज मिलता है, अगर दूसरी बार रिजेक्ट होता है तो आपको 90 डेज के बाद रीअप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि अब आपको रिस्क नहीं लेना। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, मुझसे आप बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आइए ना, वहां पे आके मुझे फॉलो करिए, उसके बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। याद रखिए इंस्टाग्राम को जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी पे जाइए, क्योंकि कई सारे फेक अकाउंट भी चल रहे हैं जो आपके साथ स्कैम भी कर सकते हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।